शादी का झांसा देकर 2 साल से कर रहा अंकित शर्मा बलात्कार, 2 बार किया प्रेग्नेंट युवती ने सुसाइड करने का भी किया प्रयास। शिवपुरी से खबर सामने आ रही है। खबर SP ऑफिस से है, जहां एक युवती ने एक युवक के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है। शादी का झांसा देकर 2 साल से युवक युवती के साथ बलात्कार करता रहा, लेकिन बाद में शादी नहीं की और युवती को अकेला छोड़ दिल्ली में भाग खड़ा हुआ। जानकारी के अनुसार जिले के गोवर्धन की रहने वाली 27 वर्षीय युवती ने SP को शिकायत करते हुए बताया कि उसकी शादी 2019 में हुई थी, लेकिन उसके पति आए दिन मारपीट करता था, जिसके चलते उसने अपने पति को छोड़ दिया। 2 साल पहले उसी गांव के एक युवक अंकित शर्मा उम्र 27 साल के साथ फेसबुक पर उसकी फ्रेंडशिप हुई और नंबर बदले गए, जिसके बाद युवती और युवक एक दूसरे के संपर्क में आ गए और उसके बाद से ही 2 साल से लगातार युवक युवती के साथ बलात्कार करता रहा। युवती का शिवपुरी झांसी सहित दिल्ली में 2 साल से वह बलात्कार करता रहा। इस दौरान युवती 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई। खाने में दवा मिलाकर उसका गर्भपात कराया गया, लेकिन हद तो तब हो गई जब 30 मई को युवक की सगाई होने की खबर जैसे ही युवती को पता चली तो युवती ने सुसाइड करने का प्रयास किया। वहीं युवती को अकेला छोड़कर युवक रात को भाग खड़ा हुआ और पर्स में रखे 30,000 नकदी भी ले गया। युवती ने बताया कि उसकी सगाई हो चुकी है, इसी के चलते झगड़ा हुआ और उसने सुसाइड करने का प्रयास किया। उसकी 22 जून को शादी होने वाली है, ऐसे में SP से महिला ने न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की है। मेरा घर तो ऐसे दिल्ली है, पर मेरी शादी गोवर्धन में हुई थी। पहले कितने साल पहले हुई थी आपकी? मेरी शादी 2019 में हुई थी, पर वो मुझे थोड़ा मारता पीटता था, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था। तो उसके बाद मैं अंकित शर्मा के साथ 2 साल से रह रही हूँ। उसने मुझे 2 साल से शादी का झांसा दिया, मेरे साथ दुष्टकर्म करे, मुझे गोली दी खाने में मिला के, अबॉर्शन की, गर्भपात करवाया। उसके बाद मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी, वो मुझे छोड़ के भाग गया। मैं पुलिस कोतवाली महिला थाना सब जगह गई, किसी ने सुनवाई नहीं करी, इसलिए मैं SP ऑफिस आई। SP ऑफिस वालों ने मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे महिला थाने दोबारा भेजा। उन्होंने कहा उसको अरेस्ट करवाएंगे, तुम बेफिक्र होकर चलो, मुझे उसके साथ नहीं रहना, पर मुझे उसे सजा दिलवानी है, कड़ी से कड़ी सजा। शर्मा की आप संपर्क में कैसे आई और कैसे जानती थी? मैं उसको जानती थी, गांव में ही रहता था, पर उसने मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट किया था। इस कांटेक्ट पे फेसबुक पे ही नंबर चेंज हुआ, उसी वजह से वो मिला। पर मैं उसके साथ रहना चाहती, मैं बस यही आप सब से अपील करूंगी। कितनी होगी अंकित शर्मा की शादी? 27, मेरी भी 27 है। सेम उसकी, उन्हें झूठ बोला कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो उससे शादी करूंगा। कल उसकी सगाई हुई है, 22 तारीख को उसकी शादी हुई है, शादी होगी 22 जून को। संपर्क बनाए थे वो कहाँ पर? घर पे ही है कहीं और? छिबरी लॉज में बनाए, कुछ संपर्क उसने दिल्ली में बनाए, कुछ संपर्क उसने झांसी में बनाया। मुझे 2 साल से वो ऐसी भटका रहा था। बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही कहती हूँ, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। जो आप प्रेग्नेंट की बात कर रहे हो, कितनी बार प्रेग्नेंट? 2 बार उसने मुझे प्रेग्नेंट किया। अंदर क्या आसपास मिला है आपको? अंदर यहाँ से वहाँ मिला है कि महिला थाने जाओ, वहाँ से वो आपकी मदद करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। बस मैं यही चाहती हूँ, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो आपने सुसाइड का कोशिश की थी वो कब की थी? मैंने ये 30 तारीख को करी थी, और वो भी सुसाइड भी मैंने इसके चक्कर में ही की थी। अभी मेरे ताके नहीं खुले, 17 क्या विवाद हुआ था उससे? ये विवाद हुआ था, मुझे पता चला 30 तारीख को किसकी शादी हो रही है, और इसने मुझसे बोला था कि मैं तुझसे शादी करूंगा। इस चक्कर में मैंने अपने सुसाइड करने की कोशिश करी थी। अगर मुझे और मेरे बच्चे को, मेरे पापा को, कुछ तीनों को कुछ भी होता है ना, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अंकित शर्मा होगा।